मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनुहरि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, मैं आज आपसे चर्चा करता हूँ कि 2022 में जो राशि फल है और वह राशि फल है कुंभ राशि के जातकों का। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं कि कैसा रहने वाला है 2022 कुंभ राशि के जातकों का। तो साल 2022 के पहले माह का दूसरा सप्ताह आपको आर्थिक लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आर्थिक लाभ देता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है, इस दौरान करियर में भी आपको अपार सफलता के बीच नौकरी पेशे वाले व्यक्ति जो हैं, उन लोगों को पदोन्नति, पद की उन्नति भी प्राप्त हो सकती है और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग है वो अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। जीवन में सेहत में गिरावट, अर्थात जो आपका शरीर है इसमें सेहत में गिरावट आ सकती है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। शारीरिक समस्याएं भी बनी रह सकती हैं। फरवरी 2022 के आखिरी दिनों में छात्रों को विशेष मेहनत करनी पड़ सकती है। इस दौरान आप कुछ धन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खर्च करेंगे। मार्च 2022 की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत में आपको अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही इस दौरान आपको धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। धन आप प्राप्त कर सकते हैं, धन प्रचुर मात्रा में आप कमा सकते हैं, अधिक मात्रा में। अप्रैल 2022 में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं और इस समय आपको सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ करके लेना चाहिए और बिना जल्दबाजी के न लेना चाहिए। यह समय आपके भाई और बहन को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों को ही साल 2022 में सफलता में मददगार सिद्ध हो सकता है। अप्रैल जहां आलस्य में वृद्धि कराएगा, वहीं सितंबर में आगामी दो माह के बीच आपका अपने वास से सामना भी हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद स्थितियां पुनः सामान्य हो जाएंगी। साल 2022 में अप्रैल में अविवाहित जातकों के लिए शादी के कई योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं विवाहिताओं को इस वर्ष शुरुआती समय में कुछ कष्ट सहन करना पड़ सकता है और लेकिन जून के बाद परिस्थितियों में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान गृह प्रवेश वास्तु पूजन काल सर्प दोष नवग्रह शांति या आप मांगलिक दोष की शांति कराना चाहते हैं, कुंभ विवाह कराना चाहते हैं, विष्णु विवाह कराना चाहते हैं, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, उसकी समस्याएं हैं, तो आप हमसे एक बार जरूर संपर्क करेंगे। ब्रह्मावर्त वैदिक अनुष्ठान संस्थान के द्वारा वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सारे अनुष्ठान संपन्न कराए जाते हैं और उनको लाभ की प्राप्ति होती है। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगा।